चलिए तो अब नवाब मलिक साहब से पूछते हैं। उन्होंने पहले कहा था पक्ष विपक्ष छोड़िए, निष्पक्ष होकर काम करते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि सब एक हो जाइए, सरकार की योजनाएं तो लोगों के भले के लिए ही होती हैं, आप लोग भी पहुंचाइए योजनाओं को लोगों तक। नहीं, हम लोग सरकार अच्छा काम करे निश्चित रूप से शुभकामनाएं हम लोगों की हैं। निश्चित रूप से अच्छा काम होगा तो साथ देंगे, गलत होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस पर नुक्ताचीनी करे, उंगली उठाए, ये जिम्मेदारी है। अब मोदी जी ने जो अभिनंदन प्रस्ताव पे भाषण दिया है उसमें गांधी जी के 150 साल और आज़ादी के 75 साल के कार्यक्रम को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया है। हम स्वीकार करते हैं कि गांधीवाद, महात्मा गांधी, उनके विचार सत्य और अहिंसा के लिए हम तो काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के जितने भी मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, कम से कम आज से इस देश में गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार को पूरी तरह से स्वीकारेंगे और इस देश में किसी भी प्रकार की लिंचिंग या भीड़ द्वारा किसी को नहीं मारा जाएगा, आज से हम कोई खबर नहीं सुनेंगे, हम ये आशा करते हैं। तो आपको यही दो उल्लेख केवल पसंद आया, डॉक्टर वाजने आपको भी इसके अलावा कुछ पसंद आया? देखिए, मैं नवाब मलिक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, चलिए एक मिनट जरा इस पर नवाब साहब का रिएक्शन। देखिए सौरभ जी, आपने मुझे कहा कि मोदी जी के भाषण को आप एक लाइन में प्रभाषित करें, और मैंने एक लाइन में जो सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय आज़ादी के 75 साल और महात्मा गांधी के 150 साल, जो राष्ट्रपति जी ने भी कहा था और मोदी जी ने भी, उससे शुरुआत करने का काम किया, और हम आशा करते हैं कि हम इस विचार को पूरी तरह से लोगों तक ले जाएंगे, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। अब जो मोदी जी के मानने वाले हैं वो भी इस विचार के साथ खड़े रहें, हम उम्मीद करते हैं। जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया जी का, गांधी जी का, त्यागी जी हैं, हम लोग तो लोहिया, अम्बेडकर, गांधी विचारधारा के सिपाही है ही हैं। जो भी उनके विचारों को लेकर सरकार काम करेगी, निश्चित रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे संबित जी बोल रहे थे कि चाइना के पास नहीं था, हमारे पास बहुत सारे कारखाने थे और हम नहीं चले गए, फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे विवाद पैदा कर किया जा रहा है। फिर सवाल आ जाएगा कि जो हवाई जहाज खरीदे गए तो HAL जैसा कारखाना था यहाँ क्यों नहीं बना, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। चलिए ठीक है, जब मोदी जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो राफेल भारत में क्यों नहीं बना, इसका जवाब तो देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, मैं सबसे ज्यादा आज खुश हूँ कि कल तक जो लोग ये बोल रहे थे कि मुसलमानों का देश में तुष्टिकरण हो रहा है, कम से कम वो स्वीकारने लगे कि उसकी परिस्थिति दलितों से भी बदतर है, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। ये कम से कम अगर ये सरकार स्वीकार लेती है तो कम से कम इस सरकार का हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि यही बोलते रहे कि तुष्टिकरण हो रहा है, मुँह भराई हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, आज मोदी जी ने बोल दिया। सवाल ये है कि NDतिवारी जी ने शिलान्यास किया तो 89 में उत्तर प्रदेश में उखड़ी भारत कांग्रेस पार्टी, तो आज तक जम नहीं पाई त्यागी जी, ये तो इतिहास आप देख ही रहे हैं। जो दंगे हुए निश्चित रूप से जब दंगे को मारा गया, चाहे मेरठ में मारा, जरा सुनिए मैं पूरी बात करता हूँ, चाहे मेरठ में मारा गया, मलियाना में मारा गया, या बिहार में जो दंगे हुए, जो भागलपुर में दंगे हुए, वो सारे दंगों के बाद कांग्रेस को लोगों ने सबक सिखाने का काम किया है। जी, जहाँ तक सवाल है कि मुसलमानों को न्याय दिलाने का, मोदी जी दिलाना चाहेंगे करेंगे तो निश्चित रूप से उनका हम साथ देंगे। कम से कम आज लोग ये मानने तो लगे कि तुष्टिकरण नहीं हुआ, मुसलमान पिछड़ा। वो तो कह रहे हैं हम